बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये चुनाव हार रहे हैं, उनकी नैया डूब रही है, संघ ने भी मोदी को समर्थन देना बंद कर दिया है। उन्होंने कहा, संघ का समर्थन न मिलने से मोदी हताश हैं, इसका जीता जागता प्रमाण है कि संघ ने भाजपा का साथ छोड़ दिया है। चुनाव में जनता से किए वादे और जन आकांक्षाएं पूरी नहीं होते देख स्वयंसेवक संघ चुनाव में सक्रिय नहीं दिख रहे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को मध्य प्रदेश के नीमच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, मोदी ने आम खाना तो सिखा दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि उन्होंने बेरोजगारों के लिए क्या किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपी के बलिया और बक्सर में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मैंने कभी चुनाव में जाति का सहारा नहीं लिया, जितने साल बुआ और बबुआ मुख्यमंत्री रहे उतने साल अकेला गुजरात का सीएम रहा हूं। पैदा भले ही अति पिछड़ी जाति में हुआ, लेकिन लक्ष्य हिंदुस्तान को दुनिया में अगड़ा बनाने का है। मक्कल निधि मयम पार्टी के संस्थापक और अभिनेता कमल हासन ने मंगलवार को तुतुकुड़ी के उद्दीपीडरम में चुनावी प्रचार को रद्द कर दिया। उन्हें यहां विधानसभा उपचुनाव के लिए एमएनएम की सहयोगी पार्टी वीटीपी पार्टी के उम्मीदवार एम गांधी के लिए प्रचार करना था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की फोटो का मीम बनाकर उसे शेयर करने वाली प्रियंका शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। हालांकि पहले कोर्ट ने कहा था कि प्रियंका को लिखित में माफीनामा देना होगा, लेकिन बाद में अपने आदेश में संशोधन करते हुए उन्हें तत्काल रिहा करने का आदेश दिया गया। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने मंगलवार को अपने नीच आदमी वाले बयान को सही ठहराया। अय्यर ने कहा कि मैं जो कहना चाहता था वह मैं लेख में कह चुका हूं। मैं अपने हर शब्द पर कायम हूं। इस पर बहस करने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। अय्यर ने राजनीतिक कश्मीर में लिखे आर्टिकल में ये बातें कही हैं। कोलकाता में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की रैली से पहले सियासी घमासान तेज हो गया है। कोलकाता पुलिस पर भाजपा ने पोस्टर और होर्डिंग हटाने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि पुलिस रैली स्थल पर पहुंची और भाजपा से रैली की अनुमति वाले कागज दिखाने को कहा, लेकिन पार्टी की ओर से रैली की अनुमति वाले कागज नहीं दिखाए गए। उसके बाद पुलिस ने पीएम मोदी और शाह के पोस्टर वहां से हटा दिए। केरल में हर साल की तरह इस साल भी त्रिशूर पूरम पर्व मनाया जा रहा है। वड्डकुनाथम मंदिर में हजारों की संख्या में लोग इस पर्व को मनाने आए। वहीं इस बार बैन हटने के बाद सबसे ऊंचे हाथी ने बीते रविवार को त्रिशूर पूरम पर्व के पहले दिन हिस्सा लिया। आईपीएल फाइनल में रविवार को मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को हरा दिया। इस मैच में चेन्नई के लिए ओपनर शेन वॉटसन ने 80 रन की पारी खेली। चेन्नई के ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने खुलासा किया कि बल्लेबाजी के दौरान वॉटसन के घुटने से खून निकल रहा था, लेकिन वे हार नहीं माने। उन्होंने अंत तक बल्लेबाजी की। मैच के बाद वॉटसन को 6 टांके लगे। शेयर मार्केट में मंगलवार को 9 दिनों के बाद रौनक लौटी, जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 227 अंकों की उछाल के साथ 37,318 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 96 अंकों की बढ़त के साथ 11,244 पर बंद हुआ।